Yo, what's up guys, welcome back to my channel and you guys are watching Professional Magnate. आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत पोइट को सुनने वाले हैं. द रीज़न आई सेड पोइट नॉट एन आर्टिस्ट इज़ बिकॉज ही इज़ अ पोइट. उसके गाने इतने पोइटिक होते हैं. वन ऑफ द मोस्ट पोइटिक रैपर्स आउट देयर. रैपर बोल लो, आर्टिस्ट बोल लो, तुम्हारे पे डिपेंडेंट है कि तुम किस तरीके से उसको एड्रेस करना चाहते हो. पर मैं पोइट बोलता हूँ क्योंकि ये बंदा मुझे बहुत अच्छा पोइट लगता है. इस बंदे की पोइट्री बहुत प्यारी है, इस बंदे की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है और जिस तरीके से ये बंदा इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है वो सीधा दिल को छू जाते हैं भाई. तो तुम्हें पता है, टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज हम सुनेंगे जानी को, जिसका नया गाना, नया नहीं है, ये गाना ऑलरेडी आ गया था बट उसकी वीडियो अभी आई है. कभी नहीं है टाइटल इस गाने का, तो चलो उसमें सुनते हैं. मैंने ऑडियो नहीं सुनी. आई गेस ये जानी की ईपी में से था या एल्बम में से था, जो भी उसका रीसेंट प्रोजेक्ट था, मैंने वो नहीं सुना. मैंने एक दो कुछ गाने सुने थे पर प्रॉपर बैठ के सुन नहीं पाया, टाइम नहीं लगा. बट अभी वीडियो के साथ गाना आया तो और भी मज़ा आएगा सुनने में. तो चलो सुनते हैं ऑल द मैग्नेट्स. लेट्स टर्न ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एंड कैच सम bars. I know तुमने बोला है मेरे साथ ये, तो चलो. Okay. That kick. चलती बस्ती का रास्ता है, तुझे टूटने का खौफ आता है. तू वो मकान है जो थोड़ा खस्ता है. मैं नाम लूं तेरा तो ये दिल बाग बाग है. क्या तुझे मांगनी इबादतों में जाग जाग के. मैं निकल गया साहिलों पर पाक रात में. मैं तो जी रहा हूँ जिंदगी ख्वाब मान के. That's my name. That's my name. He gave me a shout out. मैं तो निकल गया साहिलों पे रात में गया साहिलों पर पाक रात में. पाक रात में, और पाक का मतलब होता है एक प्योर शुद्ध. बेसिक में तुम समझो तो इट्स प्योर, ठीक है, प्योर पाक. भगवान की या खुदा की हिफाजत में या उनके उनकी उनकी इजाजत में पाक चीज़ होना, राइट. तो पाक रात में मैं निकल गया साहिलों पे. साहिल का मतलब होता है ओशन का जो भी शोर होता है या एज होता है या किनारा होता है उसको बोलते हैं साहिलों पे. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ही इज सो फ्रिकिंग पोएटिक भाई. तो दैट्स व्हाट ही मेंट बाय दैट लाइन. इबादतों में जाग जाग के मैं निकल गया साहिलों पर पाक रात में. मैं तो जी रहा हूं जिंदगी ख्वाब मान के. तुम तो ख्वाब हो गए, मेरे खत का जवाब हो गए हो. उसी बाग में खड़े हैं फूल तोड़ने को. जानम तुम तो कांटों में गुलाब हो गए हो. आए सी, इसलिए मैंने बोला था, कि ये बंदा बहुत ज्यादा पोएटिक है. हम तो खड़े हैं उसी बाग में पर तुम कांटों से भरा हुआ गुलाब हो गए हो. फूल तोड़ने को जानम तुम तो कांटों में. तुम्हें तोड़ भी नहीं सकते, तुम खूबसूरत हो तो, पर तुम्हारे आसपास कांटे हैं तो तुम्हें तोड़ भी नहीं सकते. गुलाब हो गए हो. जो समझ में नहीं आई हो तो आज तक तुम जान की किताब हो गए हो. Damn. पहले थोड़े से थे याद में तुम मेरी, अब बेहिसाब हो गए हो. Wow. हम मानने को राजी हैं वो तेरी शर्त है. बेसाख्ता खड़े हैं तेरे दर पे. सोचा लूट लूं अफवाहें फिर एक बार. सुना है खाली हाथ नहीं जाते किसी घर पे. अब मन करीब अजना. वे भाई, वो लाइन बहुत डीप है, वो लाइन बहुत डीप है. मुझे समझने दो कि बंदा क्या बोल रहा है. साख्ता खड़े हैं तेरे दर पे. सोचा लूट लूं अफवाहें फिर एक बार. सुना है खाली हाथ नहीं जाते किसी घर पे. सोचा लूट लूं वफाएं एक बार. खाली हाथ नहीं जाते किसी के घर पे. मतलब वफाएं लेके आऊं तेरे घर पे. टूट लूं वफाएं फिर एक बार. सुना है खाली हाथ नहीं जाते किसी घर पे. अब हम मन करीब अजनबी. अब हम नजरें ना मिलाए कभी. अब दिल को खाए कमी. तूने राज लाया मुझे. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं,
आया जो लाख बुरा है, शायद उलझन में ही गिरा है। सारे फूल जड़ गए हैं खिस्सा से, चल पड़े फिर हिलजर की हवाएं। आंखें थक जाती हैं तस्वीर कहने लग जाती हैं, क्या लिखूं हुस्न पर अब तेरे जुल्फे मोहल्ला में गाती हैं। किताबों का प्यार ढूंढता हूँ, बेशुमार झूमता हूँ, कभी ले खबर मैं जिंदगी से बेजार घूमता हूँ। क्या बात है। अब मन करीब अजनबी, अब हम नजरें ना मिलाएं कभी, अब दिल को खाए कमी, तूने राज आया मुझे कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, खूबसूरत गाना है। अरे यार, लड़की आई, थोड़ा वक्त बिताई और चली गई, और भाई हमारा खड़ा रह गया वहीं पे। बहुत प्यारा गाना। ये तो क्या मस्त गाना था यार। जैसा मैंने बोला कि ये बंदा बहुत अच्छा पोइट है, बहुत अच्छे वे से ये बंदा अपनी 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 आर्ट को पोइटिक वे में रिप्रेजेंट करता है, बहुत खूबसूरत। और वीडियो इतनी अच्छी है कि वो हर एक लिरिक को कॉम्प्लीमेंट करती है। सो बहुत प्यारा गाना। जो भी कोई बंदा है यार जिसकी लाइफ में कोई लड़की आई थी या लड़का आया था जो उसको छोड़ के गया था और थोड़ा समय बिताया, पर वो जो समय बिताया वो बहुत ही खूबसूरत समय था, वो बंदा इस गाने से बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। बहुत प्यारा इमोशन इस गाने में दिखाया गया है और आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। एज आई सेड, ही इज़ सुपर पोएटिक। और इस बंदे को तुम कभी भी अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाओ और या इस तरीके से बीच वाली किसी लोकेशन पे तुम जाओ और यहाँ कहीं पहाड़ों में जाओ, लेक के किनारे बैठो, ऐसे गाने सुनो भाई, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, रो दोगे तुम इस तरह के गानों को सुन के। पर या बहुत प्यारा गाना, बहुत खूबसूरत इमोशंस। लेट मी नो तुम्हें ये गाना कैसा लगा और तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्दी अगली किसी वीडियो में। ख्याल रखो, तब तक बाय बाय।